जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, भारत की 6% आबादी मुकदमेबाजी में उलझी। सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा लोग रखते हैं न्याय की आस। दोस्तों बात करेंगे इस पूरी खबर के विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबित मामले निपटाने और सुनवाई टालने की तारीखों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाने तत्काल जरूरी हैं। अदालत ने आगे कहा कि भारत में लगभग 6% आबादी मुकदमेबाजी में उलझी है, ऐसे में अदालतों की भूमिका एक महत्वपूर्ण हो जाती है। अदालत ने कई दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी स्तरों पर लंबित मामलों के निपटारे के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने और तत्काल आवश्यकता है। यही नहीं, अदालत ने आगे कहा है कि त्वरित न्याय चाहने वाले वादियों की आकांक्षाएं पूरा करने और सुनवाई टालने के तरीकों पर अंकुश लगाने के सभी हितधारकों को आत्मनिरीक्षण करने की भी जरूरत है। आपको बता दें, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट सेवानिवृत्त और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने शुक्रवार को दिए गए आदेश में जिला और तालुका स्तर की सभी अदालतों को समन की तामील कराने, लिखित बयान दाखिल करने, दलीलें पूरी करने, याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार या इनकार करने की रिकॉर्डिंग और मामलों के त्वरित निपटारे आदि के निर्देश दे दिए हैं। पीठ ने 5 साल से अधिक समय से लंबित पुराने मामलों की लगातार निगरानी के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य न्यायाधीश द्वारा समितियों के गठन का भी निर्देश दिया। अदालत ने आगे कहा है कि लोग न्याय की आस में अपने वाद दायर करते हैं, इसीलिए सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है कि न्याय मिलने में देरी के कारण इस प्रणाली में लोगों का विश्वास कम न हो। सुप्रीम कोर्ट ने जिला और तालुका स्तर पर सभी अदालतों को नागरिक प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 5 नियम 2 के तहत निर्धारित समयबद्ध तरीके से समन की तामील करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, आदेश में कहा गया है कि मुकदमे के बाद मौखिक दलीलें तुरंत और लगातार सुनी जाएं और निर्धारित अवधि में फैसला सुनाया जाएगा। न्यायालय ने आदेश यशपाल जैन की याचिका पर दिया, जिन्होंने एक दीवानी मुकदमे में उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2019 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहां एक स्थानीय अदालत में 43 साल पहले शुरू हुआ यह मामला अब भी जारी है। पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और निचली अदालत से जैन की याचिका पर 6 महीने में फैसला करने को ये कहा। आपको बता दें, देश की 6% जनता मुकदमेबाजी में उलझी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग रखते हैं न्याय की आस। अग्निवार वेबसाइट की रिपोर्ट।